ये आटे का भी सब ना। ये आलू का मसाला, ये अपना मूंग का मसाला आ गया, मूंग का मसाला, ये पनीर आ गया, ये स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न प्राइस करा था भैया इसका, इसका 100 रुपीज़ जो आटा आप यूज करोगे स्पेशल है मतलब ये अपना प्योर गेहूं है। अच्छा प्योर गेहूं, मतलब पीला क्यों है वाला? ये हल्दी डालते सर, हल्दी क्योंकि कोयले में सिकाई होती है ना। दही, ग्रीन चटनी, दही, टमाटो केचप, इंदा वंडी कंप्लीट। सो गाइस तो नेक्स्ट आइटम बन के तैयार हो गया, ये हमारा भाटी पिज्जा भाई, ये आप चेक कर सकते हो। ये एक बाइट मैंने अभी ली थी रील बनाने के लिए, बाकी यार पिज्जा देखो बहुत सही लग रहा है। 100 रुपये इसका प्राइस है। पूरी मेकिंग आपने देखी, मैदा इसके अंदर बिल्कुल यूज नहीं होता, आटे से बनता है। बाकी इसका ये बेस देखो, आटा, स्वीट कॉर्न, पनीर, वनीर इसके अंदर डाल रखा है, ऊपर से चीज़ डाल रखा है। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड आइटम है, थर्ड आइटम है, चाय भी हमने ट्राई करी अभी आए। और ये तीन चटनी आपको साथ मिल जाएंगी, मिंट सॉस मिल जाएगी, टमाटो सॉस मिल जाएगी, और ये हमारे को दही मिल जाएगी। तो इसको ट्राई करके देखते हैं। ये बहुत प्यारा टेस्ट है इसका, इसके अंदर जो फिलिंग डाल रखी है ना भाई, एकदम प्यारी फिलिंग है ये, बहुत सही टेस्ट आएगा इसको खाने में आपको। बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं इसके अंदर, मज़ा आ गया खा के। थोड़ा पिज्ज़ा का टेस्ट आएगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा आलू का पराठा मिक्स करके खा रहे हो, थोड़ा कुछ ऐसा सा टेस्ट आएगा इसका। बाकी टेस्ट अच्छा है ओवरऑल, 100 रुपीज़ में भाई वर्थ है, कम्प्लीटली वर्थ है। लोकेशन इसके बिल्कुल काफ़ी अच्छी, देखिए साइड वाला काट है, दाल पकवान भी उसके आसपास ही है। फिर अगर आप दाल पकवान ट्राई करने चलते हैं। इसे दाल बॉईल हो गई अपने, चना दाल है, फिर इसमें नमक डाला हुआ है, हल्दी और ये हिंग का, हिंग का पानी, थोड़ा सा मैश करने का, तड़के की तैयारी कर रहे हैं। ये
ये जीरा पूरा बर्न होगा सर, अपन जला के जीरा यूज़ करते हैं, इससे जीरे का टेस्ट और फ्लेवर दोनों बढ़ेगा। पीछे हो जाएगी देख सकते हैं, बस 1 से 2 मिनट लगेगा सर दाल हुए नौले में, फिर सर्दी के लिए रेडी। किस तरह का पकवान आ गया? ये पकवान अपना किस चीज़ से बना होता है? ये हाफ आटा है हाफ मैदा है सर, जनरली प्योर मैदे का बनता है, अपन आधा आधा दोनों यूज़ करते हैं। ये लिक्विड चीज़ है, मसाले इसमें ऐड है सर, बस पकवान में जो मैदा यूज़ करते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपन अजवाइन भी यूज़ करते हैं इसमें। ये पिज़्ज़ा सीजनिंग स्पाइसी कैसे करेंगे आप, लो मीडियम हाई? मीडियम मीडियम एक पे स्कोर आएगा सर इस पर। धनिया हरी मिर्च पुदीना चने की दाल है, इसमें क्या वाले हींग है, हल्दी है और जीरे का तड़का लगा हुआ है। प्राइस क्या रहता है इसका? अतरंगी 120 का रहेगा सर, बाकी अपने पास 35 से स्टार्ट है, 8 वैरायटी अपने पास दाल पकवान में, बाकी ये हमारी स्पेशलिटी है। कुछ बताइए इसके बारे में, अतरंगी के बारे में आप? अतरंगी में सर टेस्ट में अगर अपन बात करें, अभी तक दाल पकवान को केवल सिंधी पिज्ज़ा बोला जाता है, देन इसमें एक ही दाल पकवान में आपको 3 टेस्ट मिलेगा, दाल पकवान का 100% आएगा, पिज्ज़ा का 100% आएगा, साथ ही एक टेंगी फ्लेवर आएगा। ये हमारा दाल पकवान मिक्स है, ये होममेड मसाला है हमारा। नॉर्मल चाट जीरा वन ये इंदौर स्पेशल मसाला है सर, अमचूर पाउडर, इंदौरी केसर, इंदौर में अगर आप कहीं खा रहे हैं तो नमकीन के बगैर कुछ नहीं बनेगा, तो इसलिए इंदौर में केसर कहा जाता है। ये तुमको पता चल गया? आते सबसे पहले ही पता लगा था। प्रोसेस्ड चीज, यहाँ पे चीज का ही बहुत इस्तेमाल करते हैं इंदौर में। एग्जैक्टली सर, यहाँ पे हर चीज में पिज्जा की डिमांड है, जब लोग कुल्लड़ में अगर पिज्जा का मटेरियल भर के खाना पसंद करते हैं तो इसको तो सिंधी पिज्जा बोला जाता है, और इतना चीज डालने के बाद भी आपको बेसिक टेस्ट पूरा मिलेगा, ये हमारी स्पेशलिटी है। एक बार फिर से अपना दाल पकवान मिक्स, जीरा वन, प्याज, थोड़ा टमाटर, स्मोकी टेक्सचर आ जाएगा इसमें। पिज्जा मिक्स हो, अरोमा तो आपको आने लगा होगा, अरोमा तो बहुत बढ़िया आ रहा है, मन कर रहा है अभी खा ले। अभी बाकी है सर, चिली फ्लेक्स,
खट्टी मीठी चटनी पूरा पिज्जा स्टाइल बन रहा है। खाना भी वैसे ही है भाई, ये अपना दाल पकवान बन के रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हो उज्ज्वल फूडी को, फूडी को भी आप देख सकते हो। तो ये अपना दाल पकवान बन के तैयार हो गया गाइस। ये देखो पूरी मेकिंग आपने देखी, तो इसे भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। वो जैसा भैया का कहना था कि आपको उसमें तीनों चीज़ों का टेस्ट आएगा, मैं पिज़्ज़ा का टेस्ट भी आएगा, आपको उसमें दाल पकवान का टेस्ट भी आएगा, मैं टेस्ट तो तुम लाजवाब है। ये अंदर देखो दाल भरी हुई है, ऊपर से चीज़ डाल रखा है, यहाँ टेस्ट तो अच्छा है, क्रंची भी है, मतलब बेस बिल्कुल यूनिक चीज़ है यहाँ पे। यहाँ मेरे को तो बहुत सही लगा, दिल्ली में तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। हमारे मैं तो पहली बार दाल पकवान ट्राई करा, वो भी स्टाइल में सिंधी पिज़्ज़ा, नेक्स्ट लेवल चीज़ थी, मज़ा आ गया खा के। सर मैंने और उज्ज्वल ने यहाँ पे 4 से 5 अटैम्प्ट ट्राई कर लिए हैं, लेकिन उसके अंदर हमें सर सारे बहुत बढ़िया लगे, बाकी दाल पकवान काफ़ी बढ़िया था, हैवी था, वो सबसे लास्ट में ट्राई करा। अभी हम जा रहे हैं एमबीए पिज़्ज़ा वाले पे, तो वही हम ढूंढने में लगे हुए हैं।